ब्रंच गपशप की पहचान दिल अपना पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिल अपना पाकिस्तान के साथ मैं हूं डॉक्टर हुमा मीर और मैं हूं इंतखाब अहमद, आपके साथ फिर नया प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जनाब, ईद गुजर चुकी है लेकिन ये जो महीना है ज़िलहज का, जो कि इस्लामी लिहाज से 12वां महीना है, और इसमें जो है वो ईद के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हो रहे हैं, गेट टुगेदर्स हो रहे हैं, क्योंकि ईद वैसे तो उमूमन 3 दिन की होती है लेकिन जो ईद की दावतें हैं या ईद मिलन पार्टीज़ हैं उनका सिलसिला चलता रहता है। और चूँकि यहाँ कनाडा में ज़्यादातर प्रोग्राम्स वीकेंड पे ही होते हैं तो ये हफ्तों चलता रहता है। नाज़रीन, हम कितने खुशकिस्मत हैं नॉर्थ अमेरिका में कनाडा में रहते हुए, और वो भी वेस्ट कोस्ट पे, जहाँ पे दूर वतन से दूर, जो कि 12 घंटे का टाइम डिफरेंस है हमारा, और हम चाहते हैं कि हम वही खुशियाँ जो पाकिस्तान में हमें हासिल थी वही हम यहाँ पे हासिल करें। तो ये प्रोग्राम जो है इसी तरह से हम यहाँ पे हो रहे हैं, वीकली प्रोग्राम हो रहे हैं। लेकिन बस एक चीज़ की कमी मुझे महसूस होती है, पाकिस्तान में जो कुर्बानी का जानवर आप लेकर आते हैं और घरों में बांधते हैं, और जैसे बकरे के ममियाने की आवाज़ जो है वो रात में सुनाई देती है, वो यहाँ सुनाई नहीं देती क्योंकि आप घर पे जानवर ला ही नहीं सकते। और वो मोहब्बत जो आप पैदा करना चाहते हैं जानवर से कुर्बानी से पहले, वो नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी एक जज्बा ज़रूर है। नीयत की बात है, जो है वो प्रोज एंड कॉन्स हैं। जी बिल्कुल। अब जैसे आप घर पे ले आए जानवर, जैसे पाकिस्तान में अक्सर ये होता है, उसके बाद घर के बाहर ही आपने दरवाजे के सामने, गेट के सामने कुर्बानी कर दी, और उसके बाद फिर सफाई के नाकस इंतजाम, उससे और ज़्यादा घबराहट होती है, मेहमानों की आमद और रफ्त मुतासर होती है, लोगों का आना जाना मुतासर होता है। तो यहाँ का भी सिस्टम जो है वो मेरे ख्याल में क्लीनलीनेस के लिहाज से बेहतर है। बहुत बेहतर है, बिल्कुल यही वजह है, इनको बहुत ज़्यादा कंसिडर करते हैं, और वो जो है, और ख़ास तौर पे जब ज़िबा करते हैं जो अनट्रेंड लोग हैं, हुमा मुझे ये बहुत देख के बहुत दुख होता है कि जानवरों के साथ मिसबिहेव जो होता है ना, ये हम अपने टीवी के ज़रिए आप लोगों को बताना चाहते हैं, जो जो वक्ती तौर पे कसाब बन जाते हैं, मौसमी कसाब। हाँ, जो ईद पे जो है ना हर आदमी जो है वो कसाई बन जाते हैं, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। क्योंकि देखिए कुर्बानी के लिए कुछ चीज़ें हैं कि आपको कुर्बानी के जानवर को किस रुख पे लिटाना है, बिल्कुल, उसको कुर्बानी से पहले पानी पिलाना है, कुछ कुर्बानी की दुआएं हैं, तकबीर है, वो सब पता होना चाहिए। और दुआएं पढ़ के मैंने एक जगह देखा है, यूट्यूब पे वीडियोस हैं इसकी, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने, उमा मैं आपको बताऊँ कि नाज़रीन आपसे बात भी हो रही है इसी तरह से, कि आप वो वीडियोस देख लें कम से कम। लोग इतना ब्राउज करते हैं, हर वक्त उनके हाथों में इंटरनेट होता है, जिन्होंने अगर ज़िबा करना पड़ जाए, उन्हें हलाल करना पड़ जाए, तो वो दुआ पढ़ें उस तरीके से करें, जानवर पुरसकून। मैं आपको एक बहुत अफसोसनाक वाकया बताती हूँ, और ये पेश आया है तो इससे मुझे बहुत तकलीफ़ पहुँची, और मुझे नहीं पता कि ये कुर्बानी जो है वो ये किस मकसद के तहत की गई, उनका मकसद क्या था, कि भाई उन्होंने गाय को पहले गोली मारी है और उसके बाद फिर ज़िबा की। अच्छा, वो एक और यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में तो ये होता है वैसे, स्टन गन से वो दिमाग में मार देते हैं गोली और फिर ज़िबा करते हैं, हलाल करते हैं उसे, वही तरीका, लेकिन अब एक तरीका उसे कंट्रोल करने का जानवर को, लेकिन ये बहुत ही, ये भी इनह्यूमन है। ये जो है ना कुर्बानी जो है, मतलब जिस मकसद के लिए हम ये कुर्बानी करते हैं, ये ईद मनाते हैं, ईद कुर्बान, वो मकसद तो अब नज़र नहीं आता है, हर अनाड़ी कसाई बन गया है। दूसरा जो है दिखावा है, शो ऑफ है, आपको कीमती से कीमती जानवर लाना है, लोगों को दिखाना है, ज़िबा करना नहीं आता। और फिर आप देखें तकलीफ़ दे बात एक ये है कि कुर्बानी के जानवर लोग चोरी कर रहे हैं, कितने गुना की बात है। और तो और आप ये देखें कि वो जो गेम शो चल रहे हैं उसमें कुर्बानी के जानवर इनाम में दिया जा रहा है, ये कौन सी शरह है? ये कोई शरह नहीं है बिल्कुल, इसको एक फन एंड गेम बना दिया है। बल्कि एक ये बहुत मज़े की बात है, एक किसी सियासी पार्टी को किसी ने ऊँट गिफ्ट में किया, वो पता लगा वो किराए का ऊँट था। अच्छा, हंसी भी आती है लेकिन अफसोस भी होता है। खुदा इस बात को समझिए कि कुर्बानी जो है वो एक इस्लामी फरीजा है, ठीक है, और जो कुर्बानी के जानवर है उसके तकद्दस का, उसकी हुरमत का ख्याल रखें, उसका मजाक बनाना आप अपने प्रोग्राम्स में, अपने ड्रामों में, अपने शोज में उसका फन बना रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, This is not acceptable. बहुत गलत बात। ये बिल्कुल, हम दिल अपना पाकिस्तान के फोरम से, कनाडा से, हम बैक होम लोगों को जो टीवी पे इस तरह के प्रोड्यूस करते हैं प्रोग्राम के लोग ज़्यादा देखें, मेरे ख्याल में जैसे हुमा ने कहा
कि कुर्बानी के जानवरों को हम वो तफरी का जरिया ना बने। और देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान। हमसे ज़माना है, हमसे है जहां। खुश जायका मिठाइयां खानी हो या निमको खाना हो, चाट समोसे या गोलगप्पे खाने का दिल चाह रहा हो या हलवा पूरी का मूड हो, तो आइए पाक पंजाब स्वीट्स और उम्दा मिठाइयों का लुत्फ उठाइए। मिठाइयां, निमको, चना पूरी, केटरिंग और बहुत कुछ। पाक पंजाब स्वीट्स 128 और 96 के कॉर्नर पर। पाक पंजाब स्वीट्स। संडे डिलाइट स्पेशल इटालियन जिलेटो आइसक्रीम का मरकज नाउ अवेलेबल इन सई। संडे डिलाइट अपने फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर्स का लुत्फ उठाइए। बहुत सारी मजेदार आइसक्रीम है, आइसक्रीम शेक्स, फ्रेश जूसेस, मैंगो लस्सी, स्पेशल लाहौरी फालूदा और संडे डिलाइट स्पेशल। कॉल कीजिए और अपनी पार्टीज के लिए ऑर्डर बुक कराएं। संडे डिलाइट, द बेस्ट आइसक्रीम इन टाउन। आप देख रहे हैं दिल अपना पाकिस्तान डॉक्टर हुमा मीर और इंतखाब अहमद के साथ। अगेन आपको नाज़रीन, हम आपको इस हफ्ते की कुछ जो सरगर्मी है वैंकूवर की, हमारी सेगमेंट है बल्कि पूरे प्रोग्राम हम इस पे बना रहे हैं। तो हुमा, कल इस हफ्ते क्या हो रहा है यहाँ? भाई यहाँ पे बहुत सारी हैपनिंग्स हुई हैं और एक ईद मेला भी हुआ है, ईद मिलन पार्टी हुई है। उसमें जाहिर है कि कोई पार्टी है तो खाना पीना तो होगा ही। बड़ा अच्छा इशाइया वहाँ पर ताम का इंतज़ाम था, म्यूज़िक भी था। और वहाँ पे हम आपको लिए चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से लोग ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। ख़ास बात इस इवेंट की ये है कि यहाँ पे जो सीरियन रेफ्यूजीज आए हुए हैं, जी जी जी, उनको ख़ास तौर पे मधु किया गया और उनकी बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन रही, उनकी स्पीचेस भी हुई और वहाँ पे उन्होंने अपना जो एक सकाफती रक्स है जी वो भी पेश किया। तो आपको लिए चलते हैं ईद डिनर में। ईद डिनर में देखते हैं, वो रक्स देखते हैं और म्यूजिक भी आपको सुनवाते हैं। देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान। It's so good to see all of you here today. It's nice to see the young men too. But today I'm going to bring a different kind of a message. First of all, let me bring you greetings from the Premier of the province, John Hogan. So these greetings are from the Premier and from the government itself. And what I want to say is that I am so proud to live in BC, because in BC we actually have a truly multicultural society. How many of you in this room were actually born in Canada? Raise your hand if you were born in Canada. There's a few of us, but whether we were born in Canada or whether we come here from Pakistan or Syria or Afghanistan or India or England or any of the European countries, we have chosen this country to be our home. Yes, Dipka. So, saath saath taaliyon mein bhi daad dijiyega. Look at these fine young gentlemen, especially this little one. It's so cute. वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान में इंतखाब अहमद आपके साथ और मेरे साथ तो नाज़रीन, आज हम यहाँ पे PCCA के फंक्शन में हैं, हाजिर हैं यहाँ पे और PCCA ने बहुत अच्छा फंक्शन किया। पाकिस्तान कल्चरल एसोसिएशन ने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे कुछ फनकारों को भी इजाज़त किया, यहाँ पे कम्युनिटी के सारे लोग आए हुए थे। तो नाज़रीन, हम आपको इस प्रोग्राम की सेगमेंट दिखाएंगे, देखते रहिए दिल अपना।
उम्मीद करती हूँ कि इस वक्त यहाँ मौजूद है और बहुत देर से इंतजार कर रही थी।
अच्छा था ना, और जो सिंगर्स थे हमारे हाँ, वो उन्होंने भी बहुत अच्छा गाया। भाई आप ये देखें कि ये बहुत अच्छा हुआ है यहाँ पे, और ये जो यहाँ पे एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है PCCA के नाम से है नाजरीन, ये इनका नाम से जाहिर है कि ये कल्चर को भी उजागर कर रहे हैं। यहाँ पे सितार भी बजाया गया और जी 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 आसानी साहब सितार बजा रहे थे और सितार पे उनके साथ संगत कर रहे थे अमरजीत, और बड़ी मशहूर उन्होंने धुने बजाई। हाँ बहुत बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगा। और फिर जो लोकल सिंगर हैं वहाँ उनमें मलिया गजन हमारी होस्ट जो है, और फिर उसके साथ सलमा शाह जो हैं, बहुत ही उभरती हुई फनकारा है यहाँ की वैंकूवर की, और उन्होंने तो इन दोनों ने चार चांद लगा दिया इस प्रोग्राम में। हाँ बिल्कुल, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, शो पसंद आया होगा, इनकी गायकी भी आपने एंजॉय की होगी। देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान। बस हो गया 3 सेकंड। नाज़रीन ईद के हवाले से एक और इवेंट हुआ है, और ये जो है ये ब्रंच गपशप के नाम से है। वैसे तो ब्रंच का तो टाइम जो है वो दोपहर का होता है, लेकिन ये ब्रंच थोड़ा सा लेट हुआ है। आप ये समझे कि ये लंच कम डिनर हो गया है। लंच कम डिनर हो गया नाज़रीन, ये भी मंथली प्रोग्राम है, और दिल अपना पाकिस्तान की ख्वाहिश और कोशिश है कि वो हर इवेंट में जाएँ, हर इवेंट में जाएँ और हर इवेंट को कवर करें। तो इस महीने जो ब्रंच गपशप हो रहा है ये भी ईद से रिलेटेड है, और इसमें नई नई फैमिलियां जो आती हैं, जो मिस करती हैं होम को, उनको कमाल रशीद साहब हैं, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये ऑर्गेनाइज करते हैं। और इनके साथ इट्स अ पॉटलक, आप अपने साथ कोई डिश बना के लाते हैं और कुछ फीस भी है वो आप पे करते हैं, और उसके बाद जो है आप एक मिल बैठने का बहाना है। तो आइए आपको ऐसा करते हैं नाज़रीन, कुछ डिशेज दिखाते हैं और फिर उसके बाद लोगों से बातचीत करवाते हैं। तो देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान। ब्रंच गपशप की जान दिल अपना पाकिस्तान। ब्रंच गपशप की पहचान दिल अपना पाकिस्तान। दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद आज अगेन ब्रंच गपशप में है, जो कि लेट हो चुकी है, जो कि इस वक्त सफर में तब्दील होती जा रही है। कमाल रशीद साहब के साथ हूँ, कमाल रशीद साहब ने बहुत सारे लोगों को बुलाया है यहाँ पे,
تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. کمال صاحب ویلکم ٹو دل اپنا پاکستان. شکریہ بہت بہت شکریہ. ویری گڈ. تو آج جاوید صاحب ہمارے ساتھ آئے ہیں, نیو کمر ہیں. بہت ہمیں خوشی ہوئی جاوید صاحب کے آنے سے, اس لیے کہ جاوید صاحب یہاں پر آئے تھے تو ہم نے کہا تھا جاوید صاحب سے کہ آپ آئیے, ہر ایک سے ملاقات کیجیے, اور ہمارا جو وہ ہے کہ آئیے, لائیے, کھائیے, مسکرائیے اور پھر آئیے. ALKMP دوبارہ آئیے, لائیے, کھائیے, مسکرائیے اور پھر آئیے. تو چل رہا ہے یہ بہت اچھا. ناظرین یہ میں آپ کو بتاتا چلوں, میں بہت عرصے سے جو کینیڈا میں ہوں, تو جب ہم آئے تھے یہاں پہ تو یہ اس طرح کی کوئی لگژری ہمیں میسر نہیں تھی. لوگوں کے گھروں میں ضرور آتے جاتے تھے, لیکن اس طرح کی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں جو ہیں, جو برنچ کپ شپ کے نام سے ہو رہی ہے, یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور یہ یہاں پہ انہوں نے کرنا شروع کیا ہے. تو جاوید صاحب آپ کچھ بولنا چاہیں گے, کہنا چاہیں گے؟ یہ بڑا اچھا لگا جو انیشیٹو ہے آج انہوں نے یہ کیا, انوائٹ کرتے ہیں تو ہم جیسے لوگوں کے لیے بہت اچھا اپرچونیٹی ہے کہ ہمیں ملاقات کا موقع ملا ہے. لوگوں سے ہمیں پہلے بھی کافی سپورٹ ملی ہے, ہمیں بہت خوشی ہوئی. بہت شکریہ جاوید صاحب, آئی ہوپ یو ول انجوائے اٹ. آئیے ہم آئیے آپ اپنا دیشان صاحب کیا حال چال ہے آپ کے؟ کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پر آ کے, اور بات مختصر بات یہ ہے کہ یہ کمال صاحب کا ہی کمال ہے کہ انہوں نے یہاں پر ایک ایسی جگہ پر پاکستانی کمیونٹی کے ممبران کو اکٹھا کیا, موقع فراہم کیا کہ وہ اپنے بکس اور اپنے ویوز اور ساری باتیں جو ہیں وہ شیئر کر سکیں. اور اچھا ہے, ایک بہت اچھا انیشیٹ ہے کہ کمال صاحب نے خاص طور پہ پاکستانیوں کے لیے اور ہم جیسے نیو امیگرینٹس کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا, بالکل مہیا کیا کہ وہ ہم آ کر یہاں پر دوسرے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کر سکیں, بات چیت کر سکیں, گپ شپ کر سکیں, گپ شپ کر سکیں, کھا پی سکیں اور انجوائے کر سکیں اور پھر واپس آ سکیں. پھر بالکل بالکل یہ سشانت صاحب یہ میرا نہیں ہے بلکہ ہم سب کا ہے, سب لوگوں کا ہے. انتخاب صاحب کی آرگنائزنگ کمیٹی میں ممبر ہیں, اپنا عارف ملک صاحب کی ہیں, مریم ہیں, تو ہم سب چاروں کی وہ ایک کوشش ہے کہ ہم اس کو کاوش ہے کر سکیں. دیکھتے رہیے دل اپنا پاکستان, دل اپنا پاکستان. گرم گرم نکلیں گے, یہی بنائیں, خود بنائیں, خود ہی بنائیں, یہی لائف
لوگوں نے بڑی محنت سے ہر کھانا بنایا ہے. آپ دیکھیں
دل پاکستان